दोस्तों, शिव पार्वती पुत्र था राक्षस अंधक। उसका जन्म किस तरह हुआ, आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि के रचयिता। आज हम आपको बताएंगे कैसे माता पार्वती अपने ही पुत्र को अपने पति परमेश्वर भगवान शिव के हाथों मृत्यु के हाथ सौंप दिया था। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती घूमते हुए काशी पहुँचे। वहाँ पर भगवान शिव अपना मुँह पूर्व दिशा की ओर करके बैठे थे। उसी समय पार्वती ने पीछे से आकर अपने हाथों से भगवान शिव की आंखों को बंद किया। ऐसा करने पर उस पल के लिए पूरे संसार में अंधेरा छा गया। दुनिया को बचाने के लिए शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे संसार में फिर से रोशनी हो गई। लेकिन उसकी गर्मी से पार्वती को पसीना आ गया। उन पसीने की बूंदों से बालक का जन्म हुआ। उस बालक का मुंह बहुत भयंकर था। उस बालक को देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछा। भगवान शिव ने पसीने से उत्पन्न होने के कारण उसे अपना पुत्र बताया। अंधकार में उत्पन्न होने की वजह से उसका नाम अंधक रखा गया। कुछ समय बाद दैत्य हिरण्याक्ष के पुत्र प्राप्ति का वर मांगने के लिए भगवान शिव ने अंधक को उसे पुत्र रूप में प्रदान कर दिया। अंधक असुरों के बीच ही पला बढ़ा और आगे चलकर असुरों का राजा बना। अंधक ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि वो तभी मरे जब वो यौन लालसा से अपनी माँ की ओर देखे। अंधक ने सोचा था कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि उसकी माँ कोई नहीं है। वरदान मिलने के बाद अंधक देवताओं को परास्त करने के लिए तीनों लोकों पर आक्रमण कर देता है और वहाँ का राजा बन जाता है। जब उसे लगा कि उसके पास सब कुछ है, तब उसने शादी के बारे में सोचा। उसने तय किया कि वो तीनों लोकों की सबसे सुंदर स्त्री से शादी करेगा। तब उसे पता लगा कि तीनों लोकों में पर्वतों की राजकुमारी पार्वती से सुंदर कोई नहीं, जिसने अपने पिता का वैभव त्याग कर शिव से शादी कर ली। वो तुरंत पार्वती के पास पहुँच गया और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। पार्वती के मना करने पर वो जबरदस्ती करने लगा। तब पार्वती ने शिव का आवाहन किया। पार्वती के आवाहन पर शिव वहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने अंधक को बताया कि तुम पार्वती के ही पुत्र हो। ऐसा कहकर उन्होंने अंधक का वध कर दिया। दोस्तों, वामन पुराण में अंधक को शिव पार्वती का पुत्र बताया गया है, जिसका वध शिव करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, इसके बारे में हमें जरूर बताएं।